आई गेट अ वाइब कि वो अनश्योर हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। एक साइड वो सोचते हैं कि वो आपके पास आए, और दूसरी साइड वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। व्यूअर आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई सी कि आपको आपका कनेक्शन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिजिकली सब खत्म हो चुका है, लेकिन आई फील कि आपका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आप दोनों के दिल अभी भी एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों के दिलों में जिंदा है। आई फील कि आप दोनों के बीच बहुत सारी बातें चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया गया। आप दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स, अपने कंसर्न्स खुलकर एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करे, और सारे राज आपके दिलों में ही दबके रह गए, और शायद इसी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया है। आई सी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे इस कनेक्शन में, इसलिए उन्होंने आपको ब्रेक देना चाहा, क्योंकि आपके बीच काफ़ी मिसकम्युनिकेशंस थे इसलिए वो आपको समझ नहीं पाए। आपने अपना बेस्ट दिया इस कनेक्शन में, आप बहुत एक्साइटेड और एनर्जेटिक रहते थे इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि आपका पर्सन उतना खुश नहीं है आपके साथ, या वो उतने एफर्ट्स नहीं कर रहे जितने उनको करने चाहिए। ऑल इन ऑल आपके कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट के लिए एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स कंसर्न्स एक्सप्रेस कर पाओ और आपका पर्सन अपने हैं। आई फील कि आप दोनों ही मल्टी डायमेंशनल हो, आप दोनों में एक जैसी क्वालिटीज़ हैं, और इसलिए आप दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इन्जॉय किया करते थे। आपको लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और एक ग्रेट टीम हो। आई गेट अ वाइब कि फ़िलहाल आपके पर्सन के साथ काफ़ी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो उन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। आपका पर्सन इन सबसे अकेले और सक्सेसफुली डील कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अंधेरे से घिर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी दुख भरी हो गई है और उनके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। इट फील्स कि वो चाहते हैं कि यूनिवर्स उन्हें कुछ इशारा दे या समझाए कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। आपका पर्सन काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा है। आप दोनों ही आइसोलेटेड फील कर रहे हो अपने अपने लेवल पर, और इतना स्ट्रगल से गुजरने के बावजूद भी आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है, उन्हें आपकी याद आती है, और वो सोचते हैं कि आपसे मुलाकात हो। आई फील कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन में कहाँ कहाँ गलती की। इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स के लिए वो खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपने उनको बहुत समझा, बहुत स्पेस दी, बहुत टाइम दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए, वो आपकी फीलिंग्स को समझने में असमर्थ रहे, और कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जिसमें आप दोनों को बोलना चाहिए था लेकिन आप बोले नहीं। आई बिलीव कि आपका कनेक्शन सोल कनेक्शन जैसा है, क्योंकि आप दोनों ही इतने दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हो। इट फील्स कि आपके पर्सन ने आपको अपनी पास्ट स्टोरीज बताई थी, या कुछ ऐसी सिचुएशंस का जिक्र किया था जो उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन तब आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक ना होने की वजह से आप उन्हें खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाए। फिलहाल आपका पर्सन इन सबसे काफ़ी टूट चुका है, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस और प्रेशर है। बाहर से वो भले ही दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि वो इसे सक्सेसफुली डील कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको आपकी कमी खलती है, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। डीप डाउन आई कैन सेंस कि आपके पर्सन को दूसरे लोगों के पीछे भागना नहीं आता, या वो किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करते, और इस वजह से उनके कई कनेक्शंस ख़राब भी हुए हैं, क्योंकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते,
या दूसरों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और आपसे अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। बैक ऑफ द माइंड आई सी कि आपका पर्सन कई बार एफर्ट्स करने की कोशिश करता है कि इस कनेक्शन को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन उनको पास्ट याद आ जाता है या उनके दिमाग में कुछ ऐसे हादसे या कुछ ऐसी चीज़ें स्ट्राइक कर जाती हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। इट फील्स वो बार बार अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और यही रीज़न है जो वो आज तक आपसे माफ़ी मांगने नहीं आए। आई फील कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और अपने पर्सन को टाइम देना होगा, क्योंकि आपका पर्सन भी सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी आपका पर्सन खुद में खो के रह गया है। वो अक्सर खुद से बातें करते हैं बट उनको इस कनेक्शन की पूरी पूरी खबर है। उनको परवाह है कि ये कनेक्शन जो उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है वो ख़राब हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रहे इसको बचाने के लिए। आई गेट अ वाइब कि वो अनश्योर हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। एक साइड वो सोचते हैं कि वो आपके पास आए और दूसरी साइड वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। बट वन थिंग फॉर श्योर कि वो आपके लिए ऑनेस्ट फीलिंग्स रखते हैं। आपके कनेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके पर्सन को सब कुछ पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उनको फिर भी कभी कभी श्योरिटी नहीं आ पाती। बट आई बिलीव कि उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि वो इस कनेक्शन से आखिरकार क्या चाहते हैं, और इसीलिए आई फील कि आने वाले कुछ दिनों में वो स्टेप लेंगे इस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए। आई गेट अ वाइब कि आप दोनों ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिनका आप दोनों को बहुत पछतावा है और वो अक्सर आपके कनेक्शन के बीच में आती हैं। आप दोनों ये सोचते हो कि वो सब चीज़ें जो आपने पास्ट में की हैं वो फ्यूचर में ना हो और ना ही ये कनेक्शन उस वजह से ख़राब हो। आपके पर्सन को फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करने में भी दिक्कत थी। उनको समझ नहीं आता था कि वो एफर्ट्स को कैसे रेसिप्रोकेट करें, लेकिन अब वो ये समझ पा रहे हैं कि कैसे किसी को अनकंडीशनली प्यार किया जाता है और कैसे एफर्ट्स इन्वेस्ट किए जाते हैं। इट फील्स कि उन्होंने पूरा पूरा मन बना लिया है कि वो इस कनेक्शन में अपना 100% देंगे। आई फील आपके पर्सन के साथ पास्ट में किसी ने अब्यूज़ किया था, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की गई थी और उनको बहुत हर्ट किया गया था, जिस वजह से वो आपके सामने खुलने से डरते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो चीज़ें उनके साथ पास्ट में हुई हैं वो दोबारा हो, और इसीलिए वो आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको खुद भी पता नहीं चला कि कब वो आप पर विश्वास करने लगे, कब वो आपको चाहने लगे, और अब वो चाहते हैं कि आपको फ्यूचर का एक हिस्सा बनाया जाए। आई ऑल्सो फील कि आप भी अंदर ही अंदर ये चाहते हो कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो। भले ही आपको कितना ही हर्ट किया हो आपके पर्सन ने, लेकिन आप जानते हो कि उनके इरादे नहीं थे आपको दुख पहुंचाने के। आई फील कि एक ऑनेस्ट माफ़ी से आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कि आई बिलीव आपका पर्सन आपसे ज़रूर मांगने आएगा। आप दोनों का करेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है, आप दोनों पहले से कई गुना ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, और इसीलिए आप दोनों को लगता है कि आप ये कनेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। आप शुरुआत से ही अपने पर्सन के साथ ऑनेस्ट रहे हो, लेकिन आपका पर्सन नहीं रहा। इट फील्स कि आपके अंदर हमेशा से ही इस कनेक्शन को लेकर एक अलग चमक थी जो आपके पर्सन में मिसिंग रहती थी। बट अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना स्पेशल है, आप उनके लिए कितने स्पेशल और इम्पॉर्टेंट हो। अब वो चाहते हैं कि वो आपको इम्पॉर्टेंस दें, आपको स्पेशल फील करवाएं और वो सब चीज़ें करें जो आप डिज़र्व करते हो। आई फील कि आपका पर्सन एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहता है
और उनके हिसाब से आप ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट और मैच्योर हो, इसलिए जो कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है वो उनको है। उनको लगता है कि वो आपके लेवल पर नहीं है या वो आप जैसी क्वालिटीज़ नहीं रखते हैं, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो सपने आपने अपने पर्सन के साथ देखे थे, फ्यूचर स्पेंड करना, ट्रिप्स पर जाना, लाइफ टाइम तक साथ रहना, वो जल्द पूरे होने वाले हैं। मैं यूनिवर्स हैज योर बैक की मदद से यूनिवर्स से आपको एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। देर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ। यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहता है कि आपको खुद की सोल को, अपनी आउटर और इनर ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका सच ही है जो कि आपको बाकियों से अलग बनाता है। आपका सच ही इस दुनिया में रोशनी लाने का काम करता है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं, आपको अपने सच को अपने अंदर दबाने के बजाय उसे बाहर रखना चाहिए ताकि वो और ब्राइट तरीके से शाइन करे। होने जा रहा है बड़ा फैसला उनकी तरफ से। कौन सी खुशी मिलने वाली है जाने स्क्रीन पर शो हो रही अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।